दोस्तों, माता पिता और बच्चों के बीच जेनरेशन गैप की वजह से कुछ बातें ऐसी होती है जिसकी वजह से पेरेंट्स और उनके बच्चों की सोच में अंतर आ जाता है, जिसकी वजह से वो ना चाहते हुए भी कुछ चीजें अपने माता पिता से छिपाने लगते हैं, लेकिन ऐसा करना हमारी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि वे पांच बातें कौन सी है जो हमें अपने माता पिता से नहीं छिपानी चाहिए। नंबर एक, अपनी लव लाइफ के बारे में। दोस्तों, आप किसे पसंद करते हैं या डेट कर रहे हैं, ये आपको क्लियर करना बेहद जरूरी है। दोस्तों, कभी कभी पेरेंट्स से डांट खाने के डर से हम ये तक नहीं बताते हैं कि हम किसके साथ बाहर जा रहे हैं। पेरेंट्स नहीं तो कम से कम अपने भाई बहन को तो इस बारे में आइडिया दे देना चाहिए। दोस्तों, कई बार ब्लैकमेलिंग आदि के मामले सुनने को मिलते हैं, पेरेंट्स कुछ करे लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नंबर दो, अपने फ्रेंड्स के बारे में छिपाना। दोस्तों, कई बार हमको लगता है कि हमारे कुछ फ्रेंड्स हमारे पेरेंट्स को पसंद नहीं आएंगे, ऐसे में हम अपनी दोस्ती भी उनसे छिपाने लगते हैं। दोस्तों, इसी वजह से कई बार हम न चाहते हुए भी गलत संगत में पड़ जाते हैं, जैसे ड्रग्स और जुए जैसी चीजों में इन्वॉल्व होना। नंबर तीन, टैटू बनवाने से पहले परमिशन ना लेना। दोस्तों, कई बार हम टैटू जैसी चीजें बनवा लेते हैं। दोस्तों, बिना पेरेंट्स की परमिशन के बिना हम टैटू बनवा तो लेते हैं, कई बार हम अपने लवर का नाम भी लिखवा लेते हैं और ब्रेकअप होने के बाद ये टैटू किसी मुसीबत से कम नहीं रहता, जो आगे चलकर आपकी कई परेशानियों का कारण बन जाता है। नंबर चार, ड्रिंकिंग हैबिट्स के बारे में छिपाना। दोस्तों, कई बार पेरेंट्स क्या सोचेंगे ये सोचकर हम अपने ड्रिंकिंग हैबिट्स को भी उनसे छिपा जाते हैं और कभी कभी पार्टी से ओवर ड्रिंक होकर लौटते हैं। दोस्तों, पेरेंट्स इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, इस बात के लिए हमें पेरेंट्स से डांट भी खानी पड़ती है। इससे बेहतर होगा कि आप उन्हें भरोसे में ले लें कि आजकल सोशल ड्रिंकिंग का कल्चर है। दोस्तों, ऐसे में ज्यादा नहीं लिमिट में ड्रिंक के लिए आप उन्हें तैयार कर सकते हैं। नंबर पाँच, हॉस्टल लाइफ के टूर को छिपाना। दोस्तों, हॉस्टल लाइफ के दौरान जब भी हम आउट ऑफ सिटी जाते हैं तो पेरेंट्स को बताते नहीं है, जैसे कि ट्रिप पर। दोस्तों, अच्छा ये होगा कि हम उन्हें बताकर जाएं, ताकि किसी मुसीबत में फंसने के वक्त कम से कम उन्हें ये तो पता रहेगा कि हम कहाँ हैं और वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। अच्छा होगा कि हम उन्हें अपने फ्रेंड्स के कुछ महत्वपूर्ण नंबर उन्हें देकर रखें। तो दोस्तों, ये थी वो पांच कॉमन बातें जिनका सामना आपसे भी कभी न कभी होता ही होगा। अगर आप भी इस कसमकस में फंस गए हैं कि आप उन्हें ये बताएं कि नहीं, तो ये टिप्स आपकी उलझन को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं करते और वही बातें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं, जो आगे चलकर डिप्रेशन का भी कारण बन सकता है और जो कि आपके लिए बहुत गलत है। आपके लिए क्यों, ये आपके पेरेंट्स के लिए भी बुरा होगा जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों, ऐसी कोई भी बात जो आपको परेशान कर रही है या आगे चल के परेशानी का कारण बन सकती है, आपको इस तरह की कोई भी बात अपने पेरेंट्स से नहीं छिपानी चाहिए। दोस्तों, हम अपने वीडियो के माध्यम से उन बच्चों के बात पहुंचाना चाहते हैं कि आप अपने पेरेंट्स से कोई भी बात न छिपाएं, क्योंकि कई बातें ऐसी होती हैं जो आप बताने से डरते हैं। जो बात आप किसी को नहीं बता सकते वो केवल अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं। ज्यादा क्या होगा, एक बार डांट पड़ेगी लेकिन पेरेंट्स आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, आपको डांट लगाने के बाद आपको सही बात भी समझा देंगे और उस परेशानी से कैसे बाहर निकलना है यह केवल आपके पेरेंट्स ही इसका रास्ता निकाल सकते हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हो आगे भी इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलती रहे तो चैनल के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर देना। वह इसलिए कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। धन्यवाद।